सबसे पहले मैं सुनील सिंह यादव जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। वो माफिया जिसके एक बयान से कई लोग डर जाया करते थे, जिसके एक एक्शन से कई लोग उसके खौफ में जिया करते थे, आज उसे खुद अपनी जान की परवाह है। आज वो खुद ये कह रहा है कि उससे डर लग रहा है। ये डर अच्छा है सुनील जी? नहीं, ठीक बात है, डर अच्छा है और डर अपराधियों में होना चाहिए, लेकिन जो सरकार लगातार कह रही है कि हम अपराधियों के खिलाफ काम कर रहे हैं या अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, वही सरकार और वही उत्तर प्रदेश की पुलिस। आप सोचिए घटना कब हुई, अभी तक कोई भी आरोपी, जो मुख्य आरोपी है, किसी का पता नहीं है, न सरकार के पास न पुलिस के पास। लेकिन हमारा समाजवादी पार्टी का ये मानना हमेशा से रहा है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कम करके राजनीति ज्यादा कर रही है, मुझे लगता है ये दुखद है। आप अपराधी, कोई जाति कोई धर्म नहीं अपराधियों का, और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि समूचे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाना चाहिए। अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं इनसे कहूंगा कि अपनी सरकार से कहें, हम लोग लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो टॉप 100 अपराधी हैं, आप उनकी सूची जारी करिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। सब आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर टॉप 100 में 80 को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे रही है, कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में वो अपराध। ठीक है, दो पॉइंट है आपके सुनील जी, ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, मैं राकेश त्रिपाठी जी से इसका जवाब लूंगी। लेकिन इसके अलावा आपने राजनीति का जिक्र किया, इसके अलावा आपने जाति धर्म का जिक्र किया। अतीक को अगर साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है तो उसमें राजनीति कैसे है, पहले ये समझा दीजिए। और जाति धर्म का जिक्र आपको क्यों करना पड़ा? आप ही ने कहा कि अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, तो ये शब्द आपके मुंह से क्यों निकल रहे हैं सर? नहीं, वो इसलिए निकल रहे हैं कि सरकार कुछ अपराधियों को अपना मानती है, तो हम ये साफ कर दें कि अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति धर्म नहीं होती। और आप सोचिए, जो भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उमेश पाल जी की हत्या होती है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? ये माफिया जिस राज्य में बंद है, साबरमती गुजरात में, वहां किसकी सरकार है? अगर आप अपराधियों के खिलाफ इतना सख्त हैं, तो अपराधी सारे मूवमेंट जेल से कैसे कर पा रहे हैं, फोन कैसे चला पा रहे हैं, कैसे मीटिंग कर पा रहे हैं, कैसे योजना बना पा रहे हैं, कैसे अंजाम दे रहे हैं घटनाओं को, और घटना के बाद आप ताली बजा रहे हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था के नाम पर, उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात की सरकार पर सवाल खड़ा होता है। चलिए जवाब दे दीजिए राकेश त्रिपाठी जी, अपराधियों के चेहरे पर, अपराधियों के शब्दों में डर होना चाहिए। माफिया अतीक अहमद डरा हुआ है, ये उसके शब्दों ने बता दिया। लेकिन जो सवाल सुनील सिंह यादव जी पूछ रहे हैं कि घटना को घटे हुए इतना वक्त हो गया, राजनीति हो रही है और इस पूरे मामले को किस तरीके से तूल दिया जा रहा है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन जो मेन इसमें शामिल लोग हैं वो कहां हैं इसकी जानकारी नहीं है। देखिए, सुनील जी ने दो सवाल उठाए हैं, मैंने दोनों सवाल नोट किए। पहला सवाल इन्होंने उठाया कि मुख्य अपराधी मुख्य आरोपी अब तक बाहर कहां है। मुख्य अपराधी मुख्य आरोपी आपकी टीवी स्क्रीन पर साथ साथ फॉलो किया जा रहा है, यही मुख्य अपराधी मुख्य आरोपी है जो 44 सालों से जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बना हुआ है, जिसको आप संरक्षण देते रहे, जिसकी दहशत का जनाजा निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मैं इंडिया टीवी को बहुत धन्यवाद करूंगा, वो जितना अतीक अहमद के इस आतंक के जनाजे को बार बार अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे ना, उतना लोगों के अंदर भरोसा मजबूत होगा। क्योंकि जब तक सपा की सरकार रहती थी ना, तो करोड़ों रुपए की गाड़ी आती है हमर, और सैकड़ों गाड़ियों के साथ अतीक अहमद अपने दहशत को फैलाने के लिए ऐसे ही आतंक बना करके घुमा करता था। लेकिन आज इनकी पूरी दहशत का ये जनाजा गुजरता है, जब पुलिस की ट्रक में, पुलिस की वैन में बिठा करके अतीक अहमद जब ये कहता है कि मुझे डर लग रहा है, तो ये डर यूपी की जनता के लिए अच्छा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि टॉप 10 टॉप 100 अपराधियों की सूची जारी नहीं करते। मैं बार बार कहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अगर कम से कम इस बातों को पढ़ करके आएंगे तो शायद ये सवाल नहीं उठाएंगे। मैं आज सुनील साजन जी बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, और देख रहे दर्शक भी इसको नोट कर लें, www.uppolice.gov.in ये वेबसाइट का एड्रेस है, जिस वेबसाइट पर टॉप 100 सूची अपराधियों की अपडेट है, और इसको देखते रहा करिए हर हफ्ते, क्योंकि इसमें परिवर्तन होते रहते हैं।
जो अपराधी पुलिस के सामने दुस्साहस करते हैं गोली चलाने का, इहलोक से परलोक की यात्रा करा देते हैं, तो सूची परिवर्तित होती रहती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में माफिया को जड़मूल से नाश करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार कर रही है। अतीक पर आप शिकंजा कस रहे हैं, अतीक को हम डरा हुआ सहमा हुआ देख रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी, जो लेकिन जो सवाल था सुनील सिंह यादव जी का, वो सवाल था अतीक के बेटे को लेकर, अतीक की पत्नी को लेकर, उन तमाम शूटर्स को लेकर जिन्होंने सरेराम इस वारदात को अंजाम दिया था और डेढ़ महीने से वो फरार है, पता नहीं कहां है। प्राची, एक बहुत पुराना मुहावरा है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। आप निश्चिंत रहिए, ये चाहे जितना भाग लें, कानून के हाथ लंबे होते हैं, ऐसा सिनेमा में हमने डायलॉग सुना है ना, उसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसको साकार करके दिखाएगी कि कानून के लंबे हाथों की गिरफ्त से ये माफिया का परिवार बच नहीं सकता। और आज ये कह रहे कि शूटर्स पर कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, शूटर्स पर कार्रवाई होना आवश्यक है, लाजमी है, होगी ही। शूटर पाताल में भी छुपे होंगे तो भी उनको ढूंढ कर निकालेंगे, लेकिन इन शूटर्स को पकड़ लेने से समाधान नहीं होगा, क्योंकि ये माफिया रक्त बीज जैसा है। एक शूटर पकड़िए, दूसरा रक्त से दूसरा शूटर तैयार, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्च करिए, नया शूटर तैयार। इसलिए इस माफिया की आर्थिक तंत्र को तोड़ देना आवश्यक है, और योगी सरकार ने करके दिखाया है। 1200 करोड़ की संपत्तियां जब्त करने का काम किया है, और 1200 करोड़ का सालाना साम्राज्य इसका था, उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। सुनील जी, इस पर एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर।